लाहौर की आबादी सालाना 2.5% की रफ्तार से बढ़ने लगी है। विफाकी इदारा शुमारियात के सूबाई इंचार्ज डॉक्टर सैयद वसीम ने इस बात की तस्दीक कर दी है। लाहौर में मर्दमशुमारी का अमल 100% मुकम्मल कर लिया गया है। साल में लाहौर की आबादी में 9,04,135 अफराद का इजाफा हुआ है और ज़िला लाहौर की आबादी में 1,30,04,135 अफराद का इजाफा हुआ है, जबकि मर्दमशुमारी के शुमारियात में बताया गया है कि ज़िला लाहौर में 3,11,522 हॉस्टल्स और मदारस हैं, जबकि 2017 में लाहौर की आबादी 1,11,19,000 शुमार की गई थी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम बताइएगा। मैं कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ, जो जो SCCI है, कमीशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसकी जानिब से जो है वो जो सेंसस है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इस हवाले से आज यहाँ पर जो है वो केक कटिंग सेरेमनी का इनका किया गया। जो कमिश्नर लाहौर हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर ज़रा बता दें कि सेंसस जो फाइनल हुआ है उसके अंदर लाहौर की कितनी आबादी आई है और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारी सारी टीम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें पुलिस है, ख़ास ऑफिस सेंसस की टीम और इनके जो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लीड्स हैं और हमारे असाज़ा कराम मीडिया, जिन्होंने अवेयरनेस दी, असाज़ा कराम ने एक एक दरवाजे को नॉक किया, डाटा फिल किया, आसान काम नहीं है, उनकी सारी मेहनत को खराज हकीकत। और इस वक्त हमारी लाहौर की जो पॉपुलेशन है वो 1,30,04,135 आई है, 2.65 रेट के मुताबिक है, और इसको फिर वेरीफाई किया गया, क्रॉस चेक किया गया और वो ऑथेंटिकली ठीक प्रूव हुआ, उसके बाद उसको नोटिफाई किया गया। तो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो टीम एफर्ट के ऊपर आता है। जी बिल्कुल, आपने कमिश्नर साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है वो बेहतरीन काविशें की गई और जो सेंसस किया गया था उसको जो है वो अब एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो इसी हवाले से जो है वो आज यहाँ पर केक कटिंग तकरीब भी जो है वो मुनक्किद हुई है। बहुत शुक्रिया बसाम। मुतालबात ना माने गए तो 15 अगस्त से आउटडोर बंद कर देंगे। GDA के रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में धमकी, बोले कि जिना अस्पताल में पुलिस ने गुंडागर्दी की, वजीर आला पुलिस गर्दी का नोटिस दें। SP ऑपरेशन मॉडल टाउन SHO जौहर टाउन को ओहदे से हटाने का मुतालबा भी किया गया है। तो GDA के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है और उनकी जानिब से कहा गया है जिना अस्पताल में पुलिस ने गुंडागर्दी की, वजीर आला पुलिस गर्दी का नोटिस लें और मुतालबात ना माने गए तो 15 अगस्त से आउटडोर बंद कर देंगे, ये तंबी दी गई है। क्या कहा गया उनकी जानिब से मजीद आपको दिखाते हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि एडिशन SP मॉडल टाउन जो है उसको मुअत्तल किया जाए। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम लोग ट्यूसडे से ओपीडी की सर्विसेज जो है वो मुअत्तल करेंगे और सरापा एहतजाज होंगे, हम एहतजाज करेंगे अगर हमारी कंसर्न्स जो है वो एड्रेस नहीं किए जाते। हमारे मुतालबात ये हैं कि एडिशन मुतालबात ना माने गए तो 15 अगस्त से आउटडोर बंद कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है GDA के रहनुमाओं की जानिब से, जिन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उनकी जानिब से कहा गया है जिना अस्पताल में पुलिस ने गुंडागर्दी की, वजीर आला पुलिस गर्दी का नोटिस लें। जी हाँ, है कि GDA के रहनुमाओं की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने धमकी दी है कि उनके मुतालबात ना माने गए तो 15 अगस्त से आउटडोर बंद कर देंगे। GDA के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पताल में पुलिस ने गुंडागर्दी की, वजीर आला पुलिस की गर्दी का नोटिस ने और SP ऑपरेशन मॉडल टाउन और SHO जौहर टाउन को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा किया है। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने बेस्ट टीचर अवार्ड 2022 का ऐलान कर दिया। नुमाया फैकल्टी मेंबरान को 3 शोबों में बेहतरीन यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड से नवाजा गया। लाइफ साइंसेज, मेडिसिन, फिजिकल साइंसेज के असाज़ा के लिए अवार्ड का ऐलान किया गया। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटेरियंस के असाज़ा के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की डॉक्टर सैयदा सलमा हसन ने पहला अवार्ड हासिल किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के डॉक्टर कामरान खालिद ने दूसरा अवार्ड हासिल किया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की राफे मुमताज़ ने तीसरा अवार्ड हासिल किया। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने बेस्ट टीचर अवार्ड 2022 का ऐलान कर दिया है। नुमाया फैकल्टी मेंबरान को 3 शोबों में बेहतरीन यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब एग्जामिनेशन ने स्कूलों का इम्तिहानी तरीक़ाकार तब्दील कर दिया है। अब बच्चों का रिजल्ट कार्ड 3 इम्तिहानात पर तैयार किया जाएगा। नया इम्तिहानी तरीका 1ली से 8वीं जमात तक नाफिजुल अमल होगा। अब बच्चों का रिजल्ट कार्ड 3 इम्तिहानात पर तैयार किया जाएगा। बच्चों से फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और एंड टर्म का इम्तिहान लिया जाएगा। बैक इम्तिहान बैंक के जरिए स्कूलों को सवालिया पेपर फराहम करेगा। फर्स्ट टर्म का इम्तिहान सितंबर के आखिरी हफ्ता में लिया जाएगा। मिड टर्म का इम्तिहान दिसंबर के दूसरे हफ्ता में लिया जाएगा। एंड टर्म का इम्तिहान मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ता में मुनक्कद किया जाएगा। सवालिया पेपर इम्तिहान से एक हफ्ता कबल फराहम किए जाएंगे। सवालिया पेपर कायद अकेडमी की जानिब से तालीमी कैलेंडर के मुताबिक भिजवाए जाएंगे।
एशिया कप 2023 के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। पाकिस्तान में शेड्यूल 4 मैचेस की टिकटें फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। पीसीबी ने वीआईपी और प्रीमियम टिकट्स फरोख्त के लिए खोल दी हैं। वीआईपी स्टैंड की टिकट की कीमत 5,000 रुपये, प्रीमियम टिकट की कीमत 2,500 रुपये। फजल महमूद, जावेद मियादाद इन्क्लोजर्स के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त भी जारी है। वसीम अहमद हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी वसीम। जी बिल्कुल, एशिया कप के 4 मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जो कि इफ्तिताही मैच जो है वो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा, जिसके लिए टिकटों के फरोख्त का आगाज कर दिया गया है। इसके अलावा जो लाहौर के अंदर होने वाले 3 मैच हैं, जिसमें अफगानिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन खेले जाएंगे, उनकी टिकटें भी जो हैं फरोख्त के लिए ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। इसमें आपको बताता चलूं कि प्रीमियम टिकट की कीमत जो है वो 2,500 रुपये रखी गई है, जबकि वीआईपी स्टैंड की टिकट जो है वो 5,000 रुपये तक रखी गई है। तमाम टिकट जो है वो ऑनलाइन bookme.com पर अवेलेबल है, जहां पर शायकीन क्रिकेट जाकर अपनी जो टिकट है वो खरीद सकते हैं। इसमें आपको बताता चलूं कि फजल महमूद, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास और इमरान खान इंक्लोजर की टिकट जो है वो ऑनलाइन फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। जी जी वसीम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। वसीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे एशिया कप के हवाले से। इस हवाले से उनकी वेबसाइट पर अब टिकट्स जो हैं अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ इंक्लोजन्स हैं जिनकी टिकटें खरीदी जा सकती हैं। एशिया कप 2023 के लिए टिकटों के ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान में शेड्यूल 4 मैचेस हैं जिनके लिए टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला अब शुरू किया जा चुका है। अभी आपको बताएं, अनवारुल हक काकर निगरान वजीर आजम होंगे। उम्मीद है अनवारुल हक काकर कल तक हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने निगरान वजीर आजम के लिए एडवाइस सदर को भिजवा दी है। जी हां, आपको अपडेट करते चलें, अनवारुल हक काकर निगरान वजीर आजम होंगे। उम्मीद है अनवारुल हक काकर कल तक हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने निगरान वजीर आजम के लिए एडवाइस सदर को भिजवा दी है। आपको अपडेट करते चलें कि अनवारुल हक काकर निगरान वजीर आजम होंगे और मज़ीद आपको बताएं कि अनवारुल हक काकर का नाम दिया गया है। बिल्कुल, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने निगरान वजीर आजम के लिए एडवाइस सदर को भिजवा दी है और अनवारुल हक काकर अब निगरान वजीर आजम होंगे, ये कहा जा रहा है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने निगरान वजीर आजम के लिए एडवाइस भी सदर को भिजवा दी है और इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा कि अनवारुल हक काकर निगरान वजीर आजम होंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने निगरान वजीर आजम के लिए एडवाइस सदर को भिजवा दी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने अनवारुल हक काकर का नाम दिया है और अनवारुल हक काकर निगरान वजीर आजम होंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने निगरान वजीर आजम के लिए एडवाइस सदर को भिजवा दी है। कि यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी रह गया, बचा पार्टी ने घरों को झंडियों से सजाने और छत पर कौमी परचम लहराने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। बच्चों का जोश व जज्बा कैसा है यौम आज़ादी के हवाले से और तैयारी कैसी है, रोमेल से जानेंगे। जी रोमेल। अजी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जश्न आज़ादी मनाने की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। सिर्फ एक रोज़ बाकी बचा है यौम आज़ादी को और इसी हवाले से जो शहरी हैं उनमें जोश व खरोश जो है वो बढ़ चुका है। सर चढ़कर जो जनून है आज़ादी मनाने का इस वक्त शहरियों में पाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर शहरियों का रश देखा जा रहा है। वालदैन के हमरा जो बच्चे हैं वो जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से जोशियाँ हैं और जो गलियाँ हैं वहाँ पर कौमी परचमों की जो बहार है वो भी देखी जा सकती है। मेरे साथ इस वक्त 2 नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या अशिया इन्होंने खरीदी हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए। बताएं जी, सख्त गर्मी में आप यहाँ पर मौजूद हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्या क्या खरीदा है आपने? मैंने ट्राउजर शर्ट खरीदा है, टोपी, कैप खरीदिया और ये फ्लैग खरीदा, जनिया खरीदिया। अब हम लोग अपने घर का खूब गौर से। अजी बिल्कुल, भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाने का इरादा रखते हैं ये नन्हे बच्चे। इनका कहना है कि हमने झंडे भी खरीद लिए हैं, झंडियाँ भी खरीदी हैं, बैजेस खरीदे हैं, कैप खरीदी है और इसके साथ साथ कौमी परचम से मुशाबा और जो लबास है वो भी इन दोनों भाइयों ने खरीद रखा है। मैं अब इस वक्त अगर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको स्टॉल दिखा सके तो स्टॉल्स पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या यहां पर लगा हुआ है। नन्हे बच्चों को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए जो दुकानदार हैं उन्होंने मुख्तलिफ अशिया पर मबनी जो स्टॉल्स हैं वो सजा रखे हैं। यहाँ पर नन्ही बच्चियों के लिए कौमी परचम की तर्ज पर चूड़ियाँ भी बनी हुई हैं, यहाँ पर ग्लासेस भी हैं, स्टिकर्स भी हैं, बैजेस भी हैं और जो फेस पेंट करने वाला जो ये आलात हैं ये भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, झंडियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। साहब का बहुत शुक्रिया। शहर के मार्केट्स में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। आपको बताएं कि उर्दू बाजार में सदर अंजुमन ताजरान अबू जर गफारी गौहर की जानिब से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का हवाला जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद।
हाँ बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और शहर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करने के लिए तकरीबात का एहतमाम कर रही है। इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं जहां सदर अंजुमन ताजरान लाहौर उर्दू बाज़ार अबूदर गफारी गोहर ने पायनियर बिजनेसमैन और इसके अलावा उर्दू बाज़ार के अहदेदारान के हमरा जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटा, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। गौर साहब, क्या मैसेज देते हैं इस जश्न आज़ादी पर? देखें जी, आज़ादी जो है इसकी कदर तो वो जानते हैं जो महकूम हैं, जो इंडिया के हमारे मुसलमान हैं या दूसरे ममालिक में हैं। आज़ादी को जो है ना आज़ादी समझ के मनाना चाहिए, ये हुलड़बाजी नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग साइलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करते हैं या बाजे बजाते हैं, ये आज़ादी नहीं है। जावेद भाई, मुख्तसर मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी शहजाद भाई, उर्दू ये लाहौर जो है ना, ये जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है और ये उर्दू बाज़ार ये वो मंबा है जहाँ से पूरे पाकिस्तान में आज़ादी के झंडे, आज़ादी के बैजेस, आज़ादी की चीज़ें जाती हैं और हम यहाँ पे उर्दू बाज़ार में अपने दुकानदारों के साथ, अपने ताजरों के साथ। शुक्रिया शहजाद। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब में सदर अलखिदमत फाउंडेशन ने शिरकत की। और कौन कौन मौजूद था, कोमल असलम बता रही हैं। जी कोमल जी, बिल्कुल, मैं इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर जो है 14 अगस्त की मुनासबत से खूबसूरत से तकरीब सजाई गई है जिसमें ऑर्फन बच्चों के लिए खास तौर पर बहुत ही खूबसूरत से केक कटिंग सेरेमनी का भी इनेकाद किया गया है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे सदर अलखिदमत फाउंडेशन इंजीनियर हमाद रशीद साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, हर इवेंट में, हर तरह के इवेंट पर ऑर्फन बच्चों को याद रखा जाता है, आप क्या कहना चाहते हैं आज के इवेंट के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलखिदमत फाउंडेशन का ऑर्फन केयर प्रोग्राम 23,000 ऑर्फन बच्चों की कफालत कर रहा है और हमारा ये अज़्म है, हमने इसका नाम भी ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम रखा है कि ना सिर्फ इन ऑर्फन बच्चों को और इन बल्कि इनकी कंप्लीट फैमिली को हम माशरे का एक अहम फ़र्द बनाना चाहते हैं, ये किसी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के हर ऑर्फन बच्चे को, जिनको हम बाहिम्मत बच्चे कहते हैं, उनको इंशाल्लाह अपनी कफालत में लेगी। मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त महरूमियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो सहूलतों की कमी है, तो जिनके जिनको अल्लाह ताला ने इन सहूलतों से नवाजा है, उनका फ़र्ज़ है कि वो उन अफराद को, अपने हमसायों को, अपने इर्द गिर्द के अफराद को जिनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं, उनको उसमें शरीक करें, उनके साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, जो इंजीनियर हमारी शीत साहब की जानब से बहुत ही बेहतर। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया।